हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं समराइज करने जा रही हूँ मरही द दीवा बाय गुरदयाल सिंह एंड ट्रांसलेटेड बाय अजमेर एस रोड। ट्रांसलेटेड वर्जन का नेम है द लास्ट फ्लिकर। एक गुरदयाल सिंह का फर्स्ट नॉवेल है विच वॉज पब्लिश्ड इन 1964, और इस नॉवेल के वजह से गुरदयाल सिंह को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। ये बहुत से इंडियन लैंग्वेजेस में ऑलरेडी ट्रांसलेट हो चुका है। इंडियन लैंग्वेज में नहीं बल्कि बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज भी इसे ट्रांसलेट किया गया है। ये रूरल पंजाबी लाइफ को दर्शाता है और लो कास्ट के लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उन्हें ट्रीट किया जाता है, ये सब इस नॉवेल में दर्शाया गया है। और इस नॉवेल के आधार पर मूवी भी अवेलेबल है जो कि पंजाबी में है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में बता दूँ। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सो प्लीज़ गाइज आप सब कंफ्यूज ना होना। तो मैं बताती हूँ, सबसे पहले इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो जगसीर है, नंदी जगसीर की माँ, सूटी नंदी की पड़ोसन मतलब जगसीर की पड़ोसन, थोला जगसीर के पापा मतलब नंदी के पति, धर्म सिंह एक बहुत ही बड़ा लैंड ओनर रहते हैं, जमींदार रहते हैं, भंटा धर्म सिंह का बेटा, धन्नो धर्म सिंह की पत्नी, और जगसीर के बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं, उनके उसके दोस्त रहते हैं, तो उनके दोस्त के नाम है गेभा, गीला, निक्का और रौनकी। निक्का के वाइफ का नेम है भानी, और इसमें टहली और मरही का भी जिक्र किया गया है। तो टहली मतलब एक पेड़ का नाम है, और मरही तो हमारे इस नॉवेल का नाम ही है, मरही द दीवा। तो मरही यहाँ पे मठ, जो मरने के बाद स्मारक के रूप में जो छोटा सा मंदिर टाइप का बनाया जाता है ना, उसे मरही बोलते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। नॉवल की शुरुआत में हमें एक बूढ़ी औरत दिखेगी। वो बूढ़ी औरत कोई नहीं बल्कि नंदी है, जगसीर की माँ, जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहती है क्योंकि जगसीर का एज हो गया है, बल्कि एज से ज़्यादा हो गया है, 42 का हो गया है, और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। इसीलिए वो अपने पड़ोसन सूटी से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि अपने बेटे के लिए कोई लड़की ढूंढे। ये सुनने के बाद सूटी उसका मजाक उड़ाती है और बहाने बनाकर बात को टाल देती है। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं इस नंदी और टोला के बारे में, थोड़ा फ्लैशबैक क्या होता है उनके बीच। नंदी अपने पेरेंट्स के विरुद्ध जाकर, उनके अगेंस्ट जाकर तोला से शादी करती है, और उसके माता पिता जिप्सी क्लैन से रहते हैं। नंदी जिप्सी क्लैन से रहती है और अस्थाई प्रवास के लिए गांव में आए रहते हैं। जब नंदी उनके अगेंस्ट जाकर थोला से शादी करती है, उसके बाद उसके वंश जिप्सी क्लैन से मतलब जितने भी मेंबर थे, जितने भी उनका वंश था, मतलब सब उनसे नंदी से नाता तोड़ लेते हैं और उसे छोड़कर वो कहीं और चले जाते हैं। तो नंदी के पास उसके माता पिता का कोई सपोर्ट नहीं था। थोला जो उसका पति, बहुत ही नेक और मेहनत और ईमानदार आदमी था। धर्म सिंह के जो पिता थे वो एक पड़ोसी गांव के जमींदार थे, जो उनके साथ थोला और उस अपने पत्नी को फसल बंटवारे के आधार पर अपने गांव लेकर आए थे। थोला उनके खेत में बहुत मेहनत करता था, जिसकी वजह से धर्म सिंह को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, बहुत ही ज़्यादा उन्हें लाभ हुआ था, बहुत से नाम कमाए थोला के मेहनत की वजह से। आसपास के क्षेत्र में और बहुत से खेत खलियान खरीद पाए और अपने क्षेत्र में सम्मान और शक्तिशाली व्यक्ति बने। ये सब थोला के मेहनत का नतीजा था। उसी के मेहनत की वजह से वह यह मुकाम तक पहुंच पाए। धर्म सिंह के पिता थोला को अपने भाई जैसे मानते थे, और इसके बदले थोला उनके खेत में बहुत मेहनत करता था और उन्हें सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। मरने से पहले वो थोला को 4 बीघा जमीन और टहली देते हैं, लेकिन भूमि परिवर्तन के जटिल प्रक्रिया कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के कारण जमीन थोला के नाम नहीं हो सकता है। और थोला की 4 बेटियाँ थीं। धर्म सिंह के पिता ने उन 4 बेटियों के शादी करवाने में थोला की मदद की। मरते समय धर्म सिंह ने अपने
धर्म सिंह के पिता ने अपने बेटे मतलब धर्म सिंह से कहा कि उसके बाद थोला के परिवार की देखभाल करे। धर्म सिंह ने अपने पिता को पिता के दिए हुए शब्दों को रखा और कभी भी थोला को महसूस नहीं होने दिया कि वह उनका सहरी है। सहरी है मतलब सर्वेंट है, जो बस उनके आदेश का पालन करे, उनके खेतों में काम करे, वो है। कभी महसूस नहीं होने दिया। थोला की एज हो चुकी थी, वो भी बूढ़ा हो गया था, मरने के कगार पे था। तो उसने अपने बेटे जगसीर को धर्म सिंह को सौंप दिया और कहा कि अब से जगसीर धर्म सिंह के लिए काम करेगा। और थोला मरते मरते अपने बेटे से एक और बात कही कि टहली के नीचे मरही बनाने के लिए, मतलब मरही मतलब बताई थी ना कि उनका स्मारक छोटा सा उनकी यादों में जो बनाया जाता है मठ टाइप वो। और जगसीर ने वैसे ही किया। वो अपने पिता की मृत्यु के बाद धर्म सिंह के खेत में पूरे निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने लगा। धर्म सिंह का एक बेटा था जिसका नाम भंटा था। वो अपने पिता और दादाजी के नेचर से बिल्कुल विपरीत था। वो एक चालाक व्यक्ति था जो जगसीर को एक नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। खुद धर्म सिंह अपने बेटे के दुष्ट व्यवहार से चिंतित रहते थे। जगसीर अपने जवानी में काफ़ी हैंडसम हुआ करते थे और साथ ही एक अच्छी काया भी थी। गेबहा, गोल, गीला और निक्का उनके दोस्त थे जो कभी कभी जगसीर से जलन महसूस करते थे। और जैसे कि जगसीर लो कास्ट का था और लो कास्ट होने के बाद भी इतना हैंडसम होना यह एक असामान्य बात थी। उस समय निक्का का विवाह एक लंबी और सुंदर लड़की भानी से हो गए। जब घीला, गेबा और जगसीर उसे देखने गए, भानी जगसीर के स्ट्रॉन्ग फिजिक को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो गई और जगसीर भी पहली नज़र में उससे प्यार करने लगा। वो निक्का के घर में बार बार आने जाने लगा, लेकिन शर्मीले होने के कारण शर्म से भानी की जलती आंखों में सीधे देखने की कभी हिम्मत नहीं हो पाई और इससे जगसीर अपने प्यार का इजहार न कर सका, खुलकर कुछ बोल ही नहीं पाया और अपने भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाया। जब निक्का को इस मामले के बारे में पता चलता है तो उसने अपनी पत्नी को बहुत बुरे तरीके से पीटा। उसके बाद भानी का भाई उस आया और अपनी बहन भानी को लेकर चला गया। 2 साल बाद निक्का भानी को लाने गया और भानी के भाई को आश्वासन दिया कि भविष्य में कभी भी भानी पे हाथ नहीं उठाएगा, मारपीट नहीं करेगा, रूड बिहेव नहीं करेगा, अच्छे से रखेगा, अपनी पत्नी का पूरा दर्जा देगा और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। इसके बाद भानी का भाई मान जाता है और निक्का अपनी बीवी भानी को लेकर अपना घर चले आता है। तो उसके बीच जगसीर की दोस्ती रौनकी हो गया। रौनकी अनियमित रूप से नशा करना शुरू कर दिया था क्योंकि उसकी पत्नी भाग कर किसी और से शादी कर ली थी। अपने घर आने के बाद भानी जगसीर से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन सामाजिक प्रतिबंध और अपने शर्मीले स्वभाव के कारण संभव नहीं हुआ। इनफैक्ट जैसे वो रिस्पॉन्स जगसीर से चाहती थी वैसे कुछ नहीं हुआ। जगसीर उससे बहुत ही विनम्रता से कहता है कि भानी के प्रेम में होने के कारण वह कोई बोल्ड एक्शन न ले सका। भानी समझ गई कि वह क्या कहना चाहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, जगसीर के निक्का के साथ संबंध बेहतर होते गए। वे बिना किसी हिचकिचाहट के एक दूसरे के आसपास और एक दूसरे के घर आने जाने लगे। अब भानी 3 बच्चों की माँ बन गई थी, लेकिन अंदर कुछ तो था जो जगसीर के यादों को भूलने की अनुमति नहीं देता था। और दूसरे साइड भंटा के साथ जगसीर के संबंध बिगड़ते गए। धर्म जब जगसीर का साथ देता था तब उसका बेटा भंटा उसे लड़ाई करता था। दादाजी के द्वारा दिए गए ज़मीन पर उसकी नज़र थी। तो वह एक दिन क्या करता है, जगसीर से दूसरे गांव के दूसरे साइड में जो खेत रहता है उसे उसके खाली करने के लिए भेज देता है और इसे इससे बात का पता रहता है कि उस खेत को खाली करने में 4 से 5 दिन लग जाएंगे। और उसी बीच वह
पहली बेच देता है। जब जगशीर खेतों को पाटने के बाद अपने खेतों को देखने जाता है तब उसकी आंखों पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि भंटा उसकी टहली को शाह के द्वारा बेच देता है और उस टहली को कुछ लोग काट रहे होते हैं। और बाद जगशीर दौड़ता है अपनी टहली को बचाने के लिए, लेकिन वो उसका निरर्थक प्रयास रोक ना पाता है और लोग टहली को काट गिराते हैं। इसके बाद उसका दिल टूट जाता है, वो बहुत ही अकेला, बिल्कुल अकेला, दुखी और असहाय महसूस करता है। वह पिता की टूटी हुई मरही की ईंटें इकट्ठा करता है और उन्हें घर ले आता है और अपने घर के कोने में छोटा सा मरही बनाता है। जब नंदी को इस मामले के बारे में पता चलता है तो वह बेहद परेशान हो जाती है। वह धर्म के घर जाती है और उसे कोसने लगती है। धर्म सिंह को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं रहती है कि भंटा ने ऐसा क्यों किया। धर्म सिंह विनम्रता से उससे मामले के बारे में पूछता है और महसूस करता है। धर्म सिंह की पत्नी नंदी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है और उसे नीची जाति का होने के लिए गाली देती है। धर्म सिंह अपनी पत्नी के बातों को अनसुना करता है और नंदी से घर जाने को कहता है। फिर कुछ दिनों बाद नंदी दुख के कारण मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। जगशीर अब तो बिल्कुल अकेला रह जाता है, असहाय, कुछ मतलब कोई उसके साथ नहीं, ना उसके पिताजी ना माँ, कुछ नहीं, अकेला रहता है। फिर धर्म सिंह उसे संभालता है, वो उसे विश्वास दिलाता है, उसे वादा करता है कि माँ के अंतिम संस्कार में वो उसकी मदद करेगा। और धर्म सिंह जगशीर को 700 रुपये देता है। जब धन्नो, जो धर्म सिंह की बीवी रहती है, इसको जब पता चलता है कि इसने उनके पति ने जगशीर को 700 रुपये दिए, इसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है धर्म सिंह से। और धर्म सिंह का बेटा भंटा जमीन बांटने की बात करता है। इस सब में वो भी बहुत दुखी रहने लगते हैं धर्म सिंह, और बाद में एक दिन वो घर छोड़कर चले जाते हैं। 2-4 दिन ढूंढने के बाद भी धर्म का कोई पता नहीं चलता है। जब जगशीर इस बात से अनजान धर्म सिंह को मिलने जाता है तो धन्नो और भंटा की बीवी उस पर टूट पड़ती है। अब तो बिल्कुल अकेला, एक धर्म सिंह ही थे जो कुछ उसकी मदद करते थे, उनका सहारा करते थे, लेकिन अब धर्म सिंह की घर छोड़कर चले जाते, तो अब तो बिल्कुल ही अकेला दुखी जगशीर रह जाता है। जगशीर अपने खाट और रजाई में रहता है, रौनक की पूरा कोशिश करता है उसे इस कंडीशन से बाहर लाने के लिए, उसे अच्छा फील करवाने के लिए, कि नहीं, वो असफल रहता है। जगशीर रौनकी से आखिरी बार भानी से मिलने की अपनी इच्छा बताता है, लेकिन जब रौनकी पूछताछ करता है तब उसे पता चलता है कि भानी अपने भाई की शादी में शामिल होने गई है। फिर रौनकी से निवेदन करता है कि वह उसकी भी मरही बनाए और मरही का ध्यान और देखभाल करे और ये संदेश भानी को देने के लिए कहता है। कुछ दिनों में जगशीर की मृत्यु हो जाती है। रौनकी कुछ ईंटों के व्यवस्थित रूप से बांध कर मरही बनाता है, लेकिन वह भानी से पूछने का हिम्मत नहीं करता। कई दिनों बाद जब रौनकी शमशान घाट से गुजरता है तो नोटिस करता है कि जगशीर की मरही को अच्छा से किसी ने सजाया था और उसमें एक दिया भी लगाया गया था जो उसकी लौ ठीक से नहीं जल रही थी, कांप रही थी, चंचल सी थी, मतलब दिया का लौ फ्लिकर कर रहा था। उसे फिर देखता है कि भानी पैदल अपने गांव जा रही थी। ये समझ जाता है कि मरही को साफ और अच्छे सजाने वाली और कोई नहीं है, भानी है। और नॉवेल यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, आपको कैसा लगा समरी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चंस हो या फिर कोई कंफ्यूजन तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी कंफ्यूजन या क्वेश्चंस सब का आंसर दे सकूँ। थैंक यू।